मचरा हुआ भाजन और ये घुसी ना जाए अंदर। ये देखो ओ भाई, ओ भाई, चलो फिर इसके साथ ही शुगर लगाते, टांगे ना मार दे साथ। लाओ जी एक और, मारता तो नहीं स्थान, वो मारता है भाई, वो मारता है उससे बचो। ये लेके जाओ इसको तो भाई, अच्छी बात है। दो दो आगे गए ना, अभी इसको टक्कर पड़ती थी बड़ी अच्छी, लेकिन बंदा जो है वो बच गया। खैर अब ये कहाँ तक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शाज़ी बारिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एस टी वी। तो ये जो वीडियोस होंगी दो, इंशाल्लाह मैं आपको इसमें छोटे जानवरों की ज़्यादा कैटेगरी दिखाऊंगा, चोलिस्तानी, लाट के माल, इस तरह की कैटेगरी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि जो भाई छोटा माल ख़रीदते हैं मतलब लाख, सवा लाख, डेढ़ लाख की कैटेगरी में, तो उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की वीडियोज़ बनाई जाएँ, रेट्स की वीडियो बनाई जाएँ, उन्हें पता लगे कि हाँ मुल्तान मंडी में उन्हें किस तरह का जानवर मिल रहा है और क्या प्राइस में मिल रहा है, कितने वेट में मिल रहा है। तो कोशिश करते हैं आप लोगों को वीडियोस दिखाते हैं, बनाते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। गर्मी, सर्दी, धूप, कुछ भी हो यार, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो का एंड तक देखा करें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मंडी की सिचुएशन आज क्या है। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं और आज बहुत हमें काफ़ी अरसे बाद, ये साउथ बनाता रहता है साद भाई, आपको पता उम्र पे गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको जाना नसीब करे भाई। तो लाट का माल जो है आज मैं दिखाऊंगा, बहुत टाइम के बाद खुद भी देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ये देखें ये बछड़े खड़े हुए, अच्छा ये थोड़ा सा ना ऊपर खड़े हुए, मैं इनसे थोड़ा सा नीचे हूँ, बछड़े बड़े नहीं हैं भाई, नॉर्मल हाइट है, लेकिन मैं डाउन हूँ थोड़ा सा, बछड़े ऊपर है। यार किसके इधर आओ जरा, लला क्या मांग रहे हो पुट्ठे के हिसाब से? मोल करा लो तो मैं दो भी करा लो। अच्छा मोल ना करो, वाली बार कर दो फाइनल। हाँ, फाइनल ये बच्चे होंगे 1,60,000 के, 1,60,000 जितने भी खड़े हैं काले लाल सारे, बड़े बच्चे काले भी, तीन काले तीन लाल, छह बछड़े हैं टोटल, बछड़े छह हैं। अच्छा भाई 1,00,000 सा है खीरे या दुंदे? एक दो दुंदे ने, बाकी खीरे हैं। एक दो दुंदे हैं और बाकी जो हैं वो खीरे, जैसे कि ये लाटे खड़े ना, ये छोटा लाट वाला माल, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओ गिर गया, ओ भाई वो बैठ ही गया था बिल्कुल ही। अच्छा 1,60,000 रुपए में, इसमें भी जाहिर बात है थोड़ी बहुत ही कमी बेशी हो जाएगी, आप जब खरीदने आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी कमी बेशी हो जाएगी। बाकी इसमें साढ़े दो दांत मांग है, 4.5 मन, 5 मन, 4 मन, इस तरह के बछड़े हैं सारे के सारे। तो ये दिखाओ लाटे आज देखते हैं इंशाल्लाह। छोटा माल, छोटा माल बेसिकली मेरा मकसद ये होगा कि छोटी कैटेगरी का माल दिखाना। ये किसके हैं यार, किसके हैं लला, क्या मांग रहे हो पुट्टे के हिसाब से? बोलो तो 85,000 ना 75,000 हैं सारे खीरे सारे। अच्छा बछड़े 75,000 रुपए के हिसाब से कह रहा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 75 के हिसाब से भाई बछड़े महंगे, मेरे हिसाब से 1.5-2 मन के करीब करीब इसमें होंगी चीज़ें, इससे ऊपर की चीज़ें नहीं है। तो एवरेज भी अगर लगाऊं, हद भी निकाल लूँ तो 55-58, हद बहुत कैच लो 60 से भी कम, खैर 55 तक की चीज़ें मिलनी चाहिए और इतने की मिल भी जाएंगी मेरे हिसाब से। बाकी जारी बात है हम मंडी देखते रहते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार कितने की चीज़ क्या है और कितने की चीज़ क्या नहीं है, इससे ज़्यादा की चीज़ें नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा छोटा माल खड़ा हुआ है, ये भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को छोटी कैटेगरी का आइडिया हो जाए, फिर दोबारा चलते हैं लाटों की तरफ, उनकी तरफ बताए। चाचा क्या मांग रहे हो दोनों का? 1,70,000 खीरे हैं, 1,70,000 और खीरे मतलब कि कितने हो गए, 82,000-85,000 रुपये, लेकिन इतने की नहीं है, ये भी वही 50-55-60 के मिलने चाहिए, इतने का हिसाब है, 1,20,000-1,30,000 की जोड़ी मिल जानी चाहिए। इससे भाई से पूछते हैं क्या क्या मांग रहे पहले भाई? जोड़ी का जी भाई, जोड़ी का 260 मांग, 260 खीरे हैं, खीरे हैं दोनों ही,
ढाई मन पौने तीन मन के करीब करीब 160 जोड़ी का 80,000 वही पैसे पेट। अच्छा ये मोस्टली जो है ना लोग इनको कट्टू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दूसरा कट्टू में इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इनको पालते हैं, पालते हैं और कुर्बानी के लिए बेचते हैं। जो नॉर्मल एवरेज कैटेगरी जो हर बंदा नहीं पाल सकता, वरना जो है वो लाटें जो साहिवाल की लाइटें होती लाइटें कह रहा हूँ लाटें होती हैं वो लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा, या बड़े बच्चे थोड़े से अच्छे। क्या मांग रहे हैं छोटे जोड़े का? जी चार हैं, चार रुपये क्या आप बताओ? 95 तो ज़्यादा नहीं है पैसे? 95 कम है। ये ले 95 भाई, भाई ज़्यादा ज़्यादा 60-62 का हिसाब से मिल जाना चाहिए। खैर आगे चलते हैं, लाटें मज़ीद अच्छे। इस तरह में अगर कोई 40 लाट खड़ी हो तो वो लोग वो प्रेफर करते हैं। छोटे बच्चे जो है ना ये बहुत ज़्यादा छोटे जो 50-55-60 की कैटेगरी में आ जाती है मोस्टली लोग नहीं पालते। कट्टू वाले जो हैं वो प्रेफर करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि फिर उन्होंने 3 महीने की फैटनिंग करके बेचना होता। क्या मांग रहे हो भजन? मांग रहे हैं 135। 135 पुट्ठे के हिसाब से? और दांतों में सारे खीरे? सारे खीरे हैं। कितना माल? 13-14 जानवर। दे कितने के दोगे? दे 45 के देंगे। 35 मांग रहे हो, 45 के दे दोगे? सही एक रेट बोला है ना भाई, हम लोग 35 के दोगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये उसी का दिल 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 मुराद दिल क्या नाम है उसका? खालिद भाई का। अच्छा ये खालिद भाई का। मैं बासिंग यहाँ पे दिलदार का माल खड़ा होता है तो इसलिए मैं पूछा था और अड़ गया था, दिलदार मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था। तो ये है जी 135,000 रुपये के हिसाब से पुट्ठा। बात अगर मैं वेट की करूँ तो 3.5 मन और 4 मन, कोई एक अदा बच्चा इसमें 5 मन का होगा लेकिन मुझे फ़िलहाल नज़र आ नहीं रहा। तो ये माल है भाई 3.5-4 मन का माल, 135,000 ही बात है मांग रहे हैं भाई जान। 135 का नहीं होगा, आप डिवाइड कर लो 25 से 28,000 हद 30,000 रुपये मन। तो 4 मन भी हो तो 120,000, जारी बात है खूबसूरती के, वैसे खूबसूरती नहीं ये, ये आपको 1-10-15 में इतने में ये चीज़ें मिल जाएंगी और मिल जाती हैं। तो ये बच्चा मछरा हुआ है भाजन और ये घुस ही ना जाए अंदर, ये देखो ओ भाई ओ भाई। चलो फिर इसके साथ ही शुगर लगाते, टांगे ना मार दे साथ। लाओ जी एक और, मारता तो नहीं उस्ताद, वो मारता है भाई, वो मारता है उससे बचो। ये लेके जाओ इसको तो भाई, अच्छी बात है। दो दो आगे गए हैं, अभी इसको टक्कर पड़ती थी बड़ी अच्छी, लेकिन बंदा जो है वो बच गया। खैर अब ये कहाँ तक जाएगा, मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट करने वाला नहीं। लला अपने क्या मांग रहे हो? 180 के भाव। और देने वाली बात? देने वाली 75 में 5,000 का फर्क है। खीरे धुंधे सारे ये हैं जी माल, 180,000 रुपये यार। खैर टू मच एक्सपेंसिव, इतने की तो खैर चीज़ें नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, बहुत ज़्यादा मांग रहे। ये भी वही 110, 115, 120 के हिसाब से, इससे पूछते हैं क्या मांग रहा है। क्या मांग रहा है उस्ताद? कितने का? हाँ हाँ पुट्ठे का। अच्छा और दे कितने का देगा? फाइनल दे देंगे 140। 140 के हैं सारे खीरे? खीरे ये भी अपना? ये अपने अलग है, अलग है पुट्ठे में नहीं है। ये कितने हैं? 220 मांग रहा हूँ। 220 मांग रहे हो? खीरा नुकरा नहीं बोलना तूने, नुकरा नहीं है है खीरा, खीरा 220 मांग रहा। अच्छा भाई बच्चे मैंने आपको पहले बताया कि दो जहाँ पर दो व्यापारी हो ना वहाँ छुरी फिरती है किसी एक से। 165 का भाई बकौल इसके, ये कह रहा मैं दे दूंगा, ये देख लो। अच्छा काफ़ी सारे बंदों के जो है नंबर आपके पाओगे, फिलहाल मैंने नंबर अभी तक किसी का लिया नहीं है। तो काले बच्चे भी खड़े हैं, वो वाली लाट मैंने आपको दिखाई है वो 135 के हिसाब से जो मांग रहा था। बाकी इधर खड़ी हुई है ऑलमोस्ट थोड़ी सी छोटी लॉट, पता नहीं है किसकी, कुछ ये भी है अपनी है।
क्या पैसे मांग रहे हो? मांग तो एक 25 रहे भाई। एक 25 10 में दे दोगे? एक 10 में दे दोगे? दांतों में क्या है ये? खीरे भाई। दांतों में खीरे हैं? दांतों में खीरे हैं। 1,25,000 मांग रहे हैं, 1,10,000 का भाई कह रहे हैं दे देंगे। 3 मन 3.25 मन, एक अदा बच्चा कोई बड़ा हो तो 3.5 मन, जैसे कि ये है बस। तो रेट इनका बनता है जी 80-85-90, ये बनता है। और इतने का मिलेगा भी सही, जहरी बात है, जहरी बात। आप रेट सुन के भागोगे तो कभी आपको चीज़ नहीं मिलेगी मंडी में। रेट सुन के रेट लगाएंगे तो चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। अब ये लाड पता नहीं किसकी है, ये भी तकरीबन ऐसे ही छोटे बच्चे हैं। तो मैं अब ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसे छोटे बच्चे जो मुझे सिंगल सिंगल मिले और मैं उनकी वीडियो आप लोगों को दिखा सकूँ और रेट बता सकूँ। ओ भाई, तो मुझे उसके लिए किधर जाना पड़ेगा? मतलब देखता हूँ, फिर चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। भाई जान, ये तो सारे ही बड़े बच्चे खड़े हैं भाई, यहाँ पे तो कोई छोटे हैं ही नहीं। क्या मांग रहे हो भाई जान? तीनों का जी 2,10,000 के बाद, 2,10,000 के हिसाब से। और हैं खीरे धुंधे? ये खीरा है, बाकी सारे धुंधे हैं। ठीक है, और छोटा माल मैं दिखाना चाहता हूँ। खैर जो आ गए हैं बड़े वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये बिचोले सानी खड़ा हुआ है, लंपी से रिकवर हुआ हुआ माल। ये देख लो यार, चीज़ वही बात है कि मैं दिखाना चाह रहा था छोटा माल आप लोगों को। छोटा माल मुझे कहीं नज़र आता है तो इंशाल्लाह वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये क्या मांग रहे भजन इसके? इस बोरवे के जी 2,70,000। और साथ वाले के? 2,80,000। 2,80,000 नंबर है आपका कोई? बताएं। 0301 6966 207 207। इसको जरा इधर करें जरा, तो वो वाला बछड़ा देख लें हम। ये देखें ये वाला बच्चा, तो इसके भी रेट्स वेट्स आपको मैंने बता दिए हैं, बड़े बच्चे हैं थोड़े। तो फिलहाल चलता हूँ आगे, कुछ छोटा बच्चा, छोटी कैटेगरी, क्योंकि ये मेरा पोर्शन था लाट का माल या छोटे माल के लिए, तो वो आपको दिखाता हूँ। मुझे कहीं अच्छे जानवर नज़र आते हैं, अच्छे भी होने चाहिए, शर्त ये है कि बिल्कुल ही कट्टू मट्टू ना आ जाए तो अच्छा आता है, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा भाई, इस पोर्शन में आ गया हूँ जहाँ पर ये जट वट खड़े होते हैं, इधर मैं आ गया हूँ। चाचा जी क्या हाल है आपके? ठीक हो? क्या मांग रहे हैं? 1,25,000 धुंधा खीरा, क्या सीन है? दो दांत। अच्छा अभी बच्चा चेक करें आप चलिस्तानी में, 1,25,000 4.5 मन प्लस मीट वेट है। यहाँ पर आके थोड़ा सा हमें रेट्स और ये 7,000-10,000 कम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर हमें छोटी कैटेगरी का माल बहुत अच्छा मिल जाता है। बड़ा माल ढूंढना हो तो भाई वो उसी पोर्शन में जहाँ मैं बड़े बनाता हूँ, क्योंकि बड़ा माल हर बंदे का काम नहीं है लाना, खूबसूरत माल अबलक माल इधर नहीं मिलता। क्या मांग रहे भजन? 1,5,000। अब ये देखें, ये भी 4 मन प्लस है, 1,5,000। यहाँ पर कुछ ना कुछ कैटेगरी अच्छी मिल जाती है। और बहरहाल मैं अपनी वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि जट बंदे इनसे माल लें, इंशाल्लाह चीज़ आपको मुनासिब और अच्छी मिलेगी। ज़रा ट्रक गुजर जाए फिर बनाते हैं वीडियो। तो भाई अब ये देखते हैं, जूम हो गया, जूम आउट, ये बच्चा देखते हैं। क्या मांग रहे भजन? क्या मांग रहे हो? 85,000। दांतों में दो है? दांतों में दो है। 85,000 रुपये भाई मांग रहे हैं। अभी 3.5 मन से बच्चा ऊपर है, खुरशुर बनने वाले हैं। और यहीं से ही जो है वो जो लाटो वाले माल होते हैं ना, वो यहीं से निकलते हैं और दोबारा लाटो में लग के आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल जाता है। तो कोशिश करेंगे जो छोटा माल जो खरीदने आता है वो इन लोगों से खरीदे ताकि अच्छा मिले। क्या मांग रहे प्यारे भाई? खीरा है जी। अब इसने मेरे कान में बिल्कुल आके जी बताया है। इक्कासी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, आप सुना? 81,500 रुपये का भाई कह रहा है चाचा मेरे कान में। और ये हैं
फिर कह रहा हूँ जट बंदे इनसे बहस करना क्यों समझे कि अपने ऊपर जो है ना वो टेंशन आ रही है, सुनते नहीं है भाई, ये चले चले जाते हैं। तो मैं जरा इस इन जगहों पे सिर्फ एक ही चीज़ का मसला होता है कि जानवर ढूंढना, वीडियो बनाने के लिए भी जानवर ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तो ईद से ईद वाले दिनों में मैंने बहुत दिखाई हैं। अगर आप लोगों को ये सेगमेंट या ये वीडियो छोटे जानवरों की पसंद आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हर वीक एक या दो वीडियोस इन बछड़ों के ऊपर बनाऊंगा जो छोटे बछड़े होते हैं ना, जैसे कि ये खड़े हैं 1,20,25,30 और जो जट बंदे होते हैं इनके ऊपर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। क्या मांग रहे भजन? और इसका खीरे तुमने? ये वाला खीरा है जिसका 1,05,000 मांगा है और ये वाला जी 1,35,000। अच्छा, बछड़े मोस्टली जो है वो लाल कलर के मिल रहे हैं और रेट्स कुछ मुनासिब हैं। और ये अभी आपको शायद समझ में ना है, जब आप लाइव आके देखेंगे तो चीज़ों को फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगा कि हाँ मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा तो ये था एक छोटा सा विजिट मुल्तान मंडी का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।